नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। सलमान खान या कहें बॉलीवुड के दबंग खान। वैसे तो सलमान खान अपने आप में एक ब्रांड है, बॉलीवुड में उनकी डंका बजती है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि सलमान खान आशिक बन चुके थे? उनकी आशिकी ऐसी थी कि उनकी आशिकी का जो दौर चल रहा था उस दौर में उनके हाथों से खून तक बहा था। जी हाँ, ये खून बहा था ऐश्वर्या राय, जो आज बच्चन परिवार की बहू बन चुकी है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की जो प्रेम कहानी थी वो आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या ऐसे भी कहें कि सभी के मन में आज भी जीवित है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से शादी तो करके एक बड़ी ही प्यारी बेटी भी है। बावजूद इसके ऐश्वर्या राय को आज भी सलमान खान के वजह से ही जाना जाता है। खैर, बदल गया हो रिश्ता, लेकिन आते हैं सलमान खान के उस दौर में जब उनके हाथों से उस प्यार की खातिर खून बहे। बॉलीवुड में शुरुआती दौर था जब ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में अपना कदम रखने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं कि सलमान खान उन दिनों किसी और के प्यार में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन जब उनका रिश्ता नहीं बना तब उनकी नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी। ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी के साथ साथ ऐसा भी कह सकते हैं उस समय खूबसूरती के मामले में ऐश्वर्या राय आज भी उन तमाम अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। खैर, साल था 1997 जब ऐश्वर्या राय का और सलमान खान का प्यार सर चढ़कर परवान होने लगा था। इन दोनों के रिश्तों को लोग सरेआम देखा करते थे, क्योंकि सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन, जो अब बच्चन परिवार के हिस्सा बन चुकी है, उस दौरान तमाम इवेंट्स, तमाम जो सेलिब्रेशंस होते थे, यहां तक कि सलमान खान के परिवार से भी मिलना जुलना बरकरार था। ऐसा कहा जाता है कि जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो दोनों के बीच का दीवार, जो प्यार का दीवार था, वो गिरने लगा। हुआ ऐसा क्यों? इसकी वजह भी बड़ी ही कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी थी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। सलमान खान एक दिन रात 3 बजे पहुंचते हैं ऐश्वर्या राय के घर। वो रात का समय था, पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहे, बिना रुके दरवाजे पे अपने हाथ को पीटते रहे। बावजूद इसके ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि परिवार वालों ने सख्त आदेश दे दिया था कि तुम सलमान खान से दूर रहो। उनके अपार्टमेंट के लोगों का कहना था, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना था कि सलमान खान पूरी रात दरवाजा पीटते रहे, दरवाजा नहीं खुला। बिना रुके, बिना थके सलमान खान अपने हाथों को दरवाजे पे दौड़ाते रहे, नहीं खुला दरवाजा। और इतना ज्यादा उन्होंने अपने हाथों को दरवाजे पर पीटा था कि उनके हाथ में कई निशान बन गए थे, कई घाव बन गए थे, उन जख्मों से खून टपक रहे थे। उन जख्मों का आलम यह था कि वो खून उनके दरवाजे तक बूंदों के सहारे टिपके हुए वहां थे। लोगों का यह भी कहना था कि वो समय था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच दरारें पैदा हुई। कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं या लोगों का कहना है कि जब ये दौर खत्म हुआ, जब ऐश्वर्या और सलमान के बीच ये दरारें पैदा हो गई, तो सलमान ने मुड़कर दोबारा नहीं देखा। सूत्रों का कहना है कि जब सलमान खान की नजर पड़ी थी ऐश्वर्या पे, तो वो इतने प्यार में पागल हो गए थे
कि वो सभी प्रोड्यूसर्स के सामने ऐश्वर्या की तारीफें किया करते थे। सलमान की बदौलत संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में कास्ट किया था। सलमान की सिफारिश थी क्योंकि सलमान और संजय लीला भंसाली के बीच जो रिश्ता है, जो दोस्ताना रिश्ता है, वो किसी से नहीं छुपा है। सलमान की बदौलत हम दिल दे चुके सनम में जब ऐश्वर्या आई और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद ऐश्वर्या किसी नाम किसी पहचान की मोहताज। तो ये थी सलमान खान के जन्मदिन पर एक विशेष लव स्टोरी, या ऐसा कह सकते हैं कि सलमान खान के ऊपर ऐश्वर्या का वो प्यार और वो प्यार का बुखार आज भी बॉलीवुड में तरोताजा है। तो ये थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की उन दिनों की प्यार की कहानी, जिसमें सलमान खान के हाथों से खून बहे थे। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।